मैं श्री सुंदरलाल तिवारी जी का पुत्र श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी का पौत्र सिद्धार्थ तिवारी राज आपका बेटा अपने रीवा के इस परिवार को प्रणाम और नमन करता हूं। मंच पर आसीन हम सबके नेता युवाओं के आइकॉन गरीबों के मसीहा कांग्रेस अध्यक्ष परम आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी एवं परम सम्मानित मंच आपको प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। आप सबको मालूम है जो मैं यहां खड़ा हुआ हूं आपके सामने ये पूर्ण रूप से ईश्वर की मर्जी है। इस धर्म युद्ध में मैं एकमात्र ईश्वर की मर्जी से खड़ा हुआ हूं। विगत 11 मार्च को अगर मेरे पिता का निधन ना हुआ होता तो शायद आपके सामने वो अपनी बात रख रहे होते। मैं अपने जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में आज यहां खड़ा हुआ हूं और आप लोग जिस संख्या में यहां पर आके मेरा संबल बढ़ा रहे हैं पार्टी का संबल बढ़ा रहे हैं मैं आपका तहे दिल से ऋणी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम जिस धर्म युद्ध में खड़े हैं यहां हमें कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। सवाल यह पूछना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा हमने उनको 1,65,000 मतों से जिता करके भेजा पार्लियामेंट में 282 सांसदों की सरकार बनवाई प्रदेश में 170 विधायकों की सरकार शिवराज सिंह चौहान की बनवाई। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आप सब से 5 वर्ष में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सरकार होने के बावजूद जनार्दन मिश्रा जी ने कुछ किया क्या? उन्होंने जिले को कुछ किया क्या? बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला? आज जो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं यह रीवा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक 34 वर्ष का लड़का राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। हमें कुछ आंकड़े देखने पड़ेंगे। आज 65% देश युवा है। भारत पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है और इसी कड़ी में रीवा में 16,70,000 मतदाताओं में से 11,10,000 मतदाता युवा हैं। तो आज जो मुझे टिकट मिली है मैं सिर्फ एक चेहरा हूं एक निमित्त मात्र हूं। ये टिकट आदरणीय राहुल गांधी जी ने आदरणीय कमलनाथ जी ने रीवा के युवाओं के सम्मान में हमें टिकट दी है। और मेरे युवा साथियों सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के रण में उतरे और ये सीट अगर हमें इतना सम्मान आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया है तो ये सीट हम ससम्मान जीत करके उनको लौटाएं। भारतीय जनता पार्टी की काम करने की नियत नहीं है। काम कैसे होता है? पंडित श्री और श्रीनिवास तिवारी जी मेरे बाबा को मात्र 6 महीने मिले थे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में 1980 में और उन 6 महीनों में इतनी बड़ी सौगात संजय गांधी अस्पताल ला करके खड़ी कर दी रीवा में। मेरे पिता श्री सुंदरलाल तिवारी जी को आपने 5 साल के लिए सांसद बनवा के भेजा था। 5 वर्ष में विपक्ष का सांसद होते हुए डंके की चोट पे आदरणीय सोनिया गांधी जी के लीडरशिप में 3-3 ट्रेन और 1 बाईपास रीवा में ला करके खड़ा कर दिया। और आज 20 वर्ष हुआ है 20 वर्ष हो चुके हैं उनका लड़का आपके सामने खड़ा हुआ कैंडिडेट बनकर के लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके सांसद इतनी ताकत के बावजूद उस ट्रेन को मिर्जापुर से नहीं जोड़ पाए क्या? काम करने की नियत नहीं है। काम करने की नियत कैसे होती है? हमारे यशस्वी
पूछना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा, हमने उनको 1,65,000 मतों से जिता करके भेजा, पार्लियामेंट में 282 सांसदों की सरकार बनवाई, प्रदेश में 170 विधायकों की सरकार शिवराज सिंह चौहान की बनवाई। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आप सब से, 5 वर्ष में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सरकार होने के बावजूद जनार्दन मिश्रा जी ने कुछ किया? क्या उन्होंने जिले को कुछ किया? क्या बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला? आज जो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, यह रीवा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक 34 वर्ष का लड़का राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। हमें कुछ आंकड़े देखने पड़ेंगे। आज 65% देश युवा है। भारत पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है, और इसी कड़ी में रीवा में 16,70,000 मतदाताओं में से 11,10,000 मतदाता युवा हैं। तो आज जो मुझे टिकट मिली है, मैं सिर्फ एक चेहरा हूं, एक निमित्त मात्र हूं। यह टिकट आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने रीवा के युवाओं के सम्मान में हमें टिकट दी है। और मेरे युवा साथियों, सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के रण में उतरें, और ये सीट अगर हमें इतना सम्मान आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया है, तो ये सीट हम ससम्मान जीत करके उनको लौटाएं। भारतीय जनता पार्टी की काम करने की नियत नहीं है। काम कैसे होता है? पंडित श्रीनिवास तिवारी जी, मेरे बाबा को मात्र 6 महीने मिले थे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में 1980 में, और उन 6 महीनों में इतनी बड़ी सौगात संजय गांधी अस्पताल ला करके खड़ी कर दी रीवा में। मेरे पिता श्री सुंदरलाल तिवारी जी को आपने 5 साल के लिए सांसद बनवा के भेजा था। 5 वर्ष में विपक्ष का सांसद होते हुए डंके की चोट पे आदरणीय सोनिया गांधी जी के लीडरशिप में 3-3 ट्रेन और 1 बाईपास रीवा में ला करके खड़ा कर दिया। और आज 20 वर्ष हुआ है, 20 वर्ष हो चुके हैं उनका लड़का आपके सामने खड़ा हुआ कैंडिडेट बनकर के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके सांसद इतनी ताकत के बावजूद उस ट्रेन को मिर्जापुर से नहीं जोड़ पाए। क्या काम करने की नियत नहीं है? काम करने की नियत कैसे होती है? हमारे यश है, हमने लोगों को घर तो दिए, लेकिन अब राहुल जी का कहना है कि उन घरों में 2 वक्त की अच्छी रोटी भी बननी चाहिए, और वो कैसे बनेगी? उसके लिए आदरणीय राहुल गांधी जी एक न्याय योजना लेकर के आए हैं, और न्याय योजना के तहत हर गरीब परिवार को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उनको प्रतिवर्ष महिलाओं के अकाउंट में 72,000 रुपए आएंगे। कितने आएंगे? और ये गरीबी उन्मूलन की पूरे विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था होगी। विश्व में ऐसा कार्यक्रम कहीं भी नहीं सोचा गया, और इससे भारत में गरीबी खत्म हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है ये गरीबी पे आखिरी वार होगा। तो आइए इसको एक नारा देते हैं, क्योंकि ये गरीबी पे आखिरी वार होगा और 72,000 होगा। तो गरीबी पे वार, गरीबी पे वार। जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपका बेटा हूं, मैं कोई राजनेता नहीं हूं। जब मर्जी होगी मेरा कान खींच करके आप काम करवा लीजिएगा, घर में बुला लीजिएगा, और अगर मैं चुन करके जाता हूं तो आप सब चुन करके जाएंगे। हां, मैं आप लोगों को यह वचन देना चाहता हूं कि जो परिपाटी 70 वर्षों से चली आ रही है, जब तक सिद्धार्थ तिवारी का जीवन है, आपकी सेवा में निरंतर बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।